वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बजट को डिस्कस कर रहे थे जो सिंध असेंबली में मुराद अली शाह साहब ने पेश किया, लेकिन बजट इजलास के दौरान सिंध असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। शोर शराबा, नारेबाजी, एक दूसरे के ऊपर तंज के निशर बरसाए गए और अपोजिशन का भी शोर शराबा इनकार कर दिया बजट को मानने से, और बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए। फिर पीटीआई की जो रुकन है दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रुकन है कुलसूम चांडियो साहिबा, इनमें आपस में झगड़ा देखा गया। फिर शर्जील मेमन जो सूबाई वजीर हैं उनकी जानिब से भी एग्रेशन देखा गया। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे दोनों जानिब से, दोनों सियासी जमातों की जानिब से। मेरे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं, पीटीआई की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली शहजाद कुरैशी हैं, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एमपी हैं शाइना शेरली साहिबा, वो भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। शहजाद आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया है, नारेबाजी भी की है, फिर दुआ भुट्टो की अगर बात की जाए तो उनका सेलफोन भी छीन लिया गया। क्या हुआ कि आज क्यों बजट चले पेश हो रहा था, सुकून से सुन सकते थे, एक्सेप्ट करना नहीं करना तमाम चीजें अपनी जगह थी, इतना एग्रेशन क्यों था? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार है इनका, ये हमेशा से ये लोगों ने डिक्टेटरशिप दिखाई है। ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं लेकिन इन्होंने हमेशा जमहूरियत के अगेंस्ट काम किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ? हमने तो झगड़ा किया भी नहीं। अच्छा। हमारी आदत ही नहीं है कि इनको कुछ जवाब दें या इनके साथ बात करें। बहुत सिंपल सा मसला था कि करीम बश गबोल जो कि हमारे मुनरफ एमपीए हैं, जिन्होंने सेनेट का वोट बेचा था, जिन्होंने अपने जमीन का सौदा किया था, और खरीदने वाले पीपल्स पार्टी के लोग थे जिनके पास करप्शन का बेतदाद और लातदाद है, इन्होंने उसको खरीदा, उसने वोट दिया हमारे अगेंस्ट हमारे उम्मीदवार को। उसके बाद वो साहब आज हमारी सफों में बैठे हुए थे, कल भी बैठे, आज भी बैठे। हमने स्पीकर साहिबा को कहा, हमने पीपल्स पार्टी की जो हमारी ट्रेजरी बेंचेस है इनको कहा, इन्होंने नहीं सुना। फिर हमने कहा कि हम आपकी स्पीच सुनेंगे, हम सुनना चाहते हैं कि सीएम क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता था सीएम 14 सालों में कुछ नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी तो अब क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हमने सबर तामल का मुजाहरा किया, इन्होंने वो ये नहीं किया। बात आप शर्जील मेमन जो कि आप सोचें कि कैसे आदमी है, अभी जेल से नैब से छूट कर आए, स्टिक लेके चलते थे, अभी बगैर स्टिक से घूम रहे, फूटे फूटे हो गए। मिनिस्टर हो भाई, मिनिस्टर पे हक करो, अगर आपको मिनिस्टर बना दिया गया है तो कोई गली के गुंडे बदमाश, ये एनपीए है, लाखों वोट लेकर। ठीक है शहजाद, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपका आपका इनिशियल कमेंट आ गया। शाइना आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये आप लोग तो हुकूमत में हैं, ठीक है, वजीर खजाना जो कि वजीर आला खुद हैं वो बजट पेश कर रहे थे, तमाम चीजें थी, ये सूबाई वजीर को क्या हुआ था, कुलसुम चांडी साहब को क्या हुआ था? अपना बिलाल, मैं ये गुफ्तगू सुन रही थी, मेरा भाई जो बोल रहा था। देखिए सबसे पहले कल भी इन लोगों ने ये हरकत की थी, आज फिर की है। करीम बश गबोल जो इनके साइड एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ठीक है, आपने देखा होगा सेनेट जब इलेक्शन चल रहा था उससे पहले सेशन में उन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने उसको घसीट के गाड़ी में बेटा के, तो वो तो इनके रहे ही नहीं ना, वो तो आपके हो गए, ठीक है। नहीं बात सुनो, बस उसको घसीट के ये लोग गाड़ी में बिठा के लेके चले गए, ठीक है। और फिर इन लोगों ने एक मैसेज भी चलाया कि हमारे जो एमपीए हैं उसको अगवा किया गया, हमने उसको बाजियाब कर दिया है, ठीक है। वो तमाम चीजें मीडिया पे दिखाई गई, वो एमपीए वहां जाके बैठता है, तो उनके मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट मौजूद है। शाइना मैं ये पूछ रहा हूँ, सूबाई वजीर को क्या हो गया था? लोटा एक बंदे को आप लोटा लोटा कहोगे? देखिए जब इन लोगों ने लोटा लोटे की जो है ना आवाजें बुलंद की, पहले उस बंदे के लिए एहतजाज करना सबका राइट है, ठीक है, तो वो एहतजाज तो कर रहे थे शाइना। सूबाई वजीर इतने एग्रेसिव क्यों हो गए सूबाई वजीर? बिलाल बात सुनो, लड़ाई हुई कहां से? जब इन लोगों ने हमारे जो है ना लीडरान को जो है वो गालियां दे, ठीक है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है कि आप इस तरह कुल्लम कुल्ला सीएम के सामने खड़े होके अजीब और गरीब नारे मारे, ऐसे अल्फाज इन लोगों ने यूज किए जो मैं कर नहीं सकती हूँ, जाहिर बात है। अच्छा। इंसान मिनिस्टर बाद में बनता है, इंसान पहले बनता है, हमारे भी जज्बात हैं, अगर है। आप हमारे अच्छा, तो वो जज्बात इतने बढ़ गए कि दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन तो ले लिया, अपने जज्बात को जो है ना वो कंट्रोल। शाइना मैं शहजाद की तरफ भी जाऊंगा, एक छोटा सा सवाल सुन ले मेरा,
जज्बात इतने बढ़ गए कि दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन लेके कुलसुम चांडू साहिबा से लड़ाई हुई और मुनव्वर वसान लेकर फरार हो गए। देखिए दुआ भुट्टो कह रही है कि मेरा मोबाइल जो है कुलसुम चांडियो का जो है वो वीडियो मैसेज भी आ गया है, आपने भी देखा होगा। जी जी। अगर नहीं देखा है बिलाल मैं आपको स्टैंड कर दूंगी। प्लीज। उसका मोबाइल भी गायब है। ठीक अच्छा। है फिर उसका मोबाइल कौन लेके गया? ठीक है अगर दुआ इल्जाम लगा रही है कि चले चले ठीक है शाइना मैं दूसरे दूसरी जमात के भी बंदे मौजूद हैं शहजाद ये तो कह रही है कि कुलसुम चांडी साहब का खुद भी मोबाइल फोन वहां पर मिसप्लेस हो गया है और आप लोग डाइस का घेराव करके सीएम सिंह जब बजट इजलास की स्पीच दे रहे थे तो खुद ऐसी बातें की गई हैं नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए आप कह रहे हैं कि हमने तो आगाज ही नहीं किया। देखिए बिलाल मुझे तो हंसी आ रही है उनसे कहें हम तो आपको वीडियो दे रहे हैं ना हम तो कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला कुलसुम चांडियो साहिबा ने हाथापाई की वो हमेशा करती आई उससे पहले मुझसे इन्होंने हाथ उठाया था बाद में माफी मांगी थी इनका काम है इसे यूज करते हैं कुछ साहिबा को और दूसरा बिलाल बिलाल जैसे अभी मेरे बीच से बोल रही है शाइना साहब एक मिनट थोड़ा सा तवक्कुफ रखें शाइना साहब थोड़ा सा तवक्कुफ शहजाद कंटिन्यू करें और सिंह के अंदर पुलिस को जिस तरह से यूज करते हैं ये तरीकेकार करते क्या है एक बंदा कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है ये उसी तरह की एफआईआर जारी करके और झूठा इल्जाम लगा के उसको अंदर करने की कोशिश करते हैं वो अल्फिया कुरान पे हाथ रख के बोल देते उनका मोबाइल फोन गायब हुआ है। अरे मंजूर वसान साहब के दामाद है मुनव्वर वसान साहब अरे मैं तो हैरान हूँ कि एक औरत का मोबाइल छीना मतलब कुछ शर्म और हया होती है एक औरत का मोबाइल छीनने करेंगे क्या और छीन के भी ऐसे गए वीडियो में आ गए वो वीडियो चल रही है अगर ये समझते हैं कि हमने कोई इनके साथ जाती हो चीजें किए ये इनके पास तो हम अच्छा आप लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे शहजाद ऑब्लाइज किया पुलिस की जानिब से पुलिस देखें इनकी गुलाम है पुलिस को डिप्टी कमिश्नर को ये यूज करके गवर्नमेंट कर रहे हैं इन्हें कोई इंसान का या कोई देखें एक तो बजट इन्होंने अच्छा मुकदमा दर्ज हुआ है वो पूरी कौम के साथ हमने एप्लीकेशन दे दिए इंशाल्लाह ये जो जर खरीद पुलिस है इन्होंने हमने सीसीपीओ से रابطہ किया डीआईजी साउथ से रابطہ किया सबसे रابطہ किया ये ऊपर के अहकामात से वेट कर रहे हैं जो कि करते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं ये जाली मुकाबले करते हैं ये लोगों को घरों से उठाते हैं जब एमपीएस के घरों में छापे पड़ रहे थे जब उस वक्त इनको एहसास हुआ था कि इनको स्पीकर से पूछना चाहिए इंफॉर्मेशन इनको स्पीकर देगा इस्तेमाल किया जाता है अगर फेयर काम करने दिया जाए इदारों को तो फिर आज तो ऑब्लाइज करना चाहिए था ना पुलिस को इनको अगर मिसप्लेस हुआ है मोबाइल फोन देखिए ये जिस तरह से जो है ना वो शहजाद बात कर रहे हैं मेरे भाई बिलाल आप भी हमारे भाई हो आप भी कराची शहर में रहते हो आपका भी सामना पुलिस से होता है पुलिस अपना काम करती है पुलिस के साथ किसी का सियासी अमल व दखल नहीं है असल में असल इशू ये है कि एक अच्छा बजट जब आया गया ठीक अच्छा। है उसको माहौल असेंबली के माहौल को खराब करने के लिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि जब सियासी लोग होते हैं तो सियासी तरीके से फाइट करते हैं। चले मैं एक सवाल कर लेता हूँ शाहिना आपसे सवाल कर लेता हूँ तो इल्जाम पे इल्जाम लगा शाहिना छोड़े छोड़े इन बातों को लड़ाई झगड़े को छोड़े शाहिना लड़ाई झगड़े को छोड़े जरा समय एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा बजट पे आपने बात की कि बड़ा अच्छा बजट आया 200 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया बजट में लेकिन 33 अरब रुपए का खसारा है और खास तौर पर जो मायूसी हुई कराची के लिए जो बजट रखा गया क्या काफी था शाहिना आपको मेरी आवाज आ रही है हेलो मैंने पहले भी कहा बिलाल मुझे आपकी आवाज कम आ रही है मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं कि बजट खसारा 33 अरब रुपए है ठीक है दूसरी जानिब 200 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है कुल अजम में लेकिन कराची के लिए जो पैकेज रखा गया है वो काफी है देखिए अगर कराची के लिए आपको लगता है हमें लगता है ये बजट कम है तो हम अपनी तजावीज दे सकते हैं अच्छा उसको मजीद बेहतर करें नहीं आपको नहीं लगता कि कम है या ज्यादा है आप बता दें आपको क्या लगता है देखिए इस दफा जो बजट जो सिंध गवर्नमेंट ने जो पेश किया है उसमें ट्रांसपोर्ट हो उसमें हेल्थ हो अच्छा उसमें सीनियर सिटीजन हो सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये जी सारी चीजें जो है ना वो सिंध के आवाम के लिए अच्छा। एक बेहतर बजट है
अगर ठीक है, अपोजिशन चाहे तो आराम से सियासी तरीके से डिबेट कर ठीक है, सकती है। ठीक अगर है, ये लोग इस तरह का माहौल करेंगे, अपोजिशन चले मैं लीडर इस ऑपोजिशन तरह से से, यहां तो खैर मैं पूछ सकता हूं अपोजिशन ना, थोड़ा लीडर ने ये सा कहा तवक्कुफ है, बिलाल रखें पास सुनो, जी। अपोजिशन लीडर ने ये कहा है कि हम इनको बजट पास करने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है ना, हम मेरी भी देखते सुन हैं, ले ना, मेरी हम भी सुन ले, देखते ये हैं असेंबली कैसे नहीं ये है, बजट पास करते ये हैं। शाइना थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, ये असेंबली नहीं है। शहजाद आप बताएं, कराची के लिए जो बजट रखा गया है उससे मुतमईन है, क्योंकि ऑफर दी गई है कि अगर मुतमईन नहीं है तो तजावीज दें, एतराजात तहफुजात दूर किए जाएंगे। शहजाद आपको आवाज आ रही है? ठीक है तो शहजाद मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। शाइना मैं फिर आपसे ये पूछ लेता हूं कि आपने जो बजट रखा है कराची के लिए, क्योंकि बजट बनाया गया होगा उस पर तजावीज दी गई होंगी, आपकी कैबिनेट मीटिंग चलती रही है, आपको लगता है कि काफी है कराची के लिए? देखे मैंने यही कहा ना, देखे अब शहजाद की तरफ से वो बेचारे जो है ना ये हमेशा बांधने वाले हैं, ये बात नहीं, गलत है। वापस आ गए शहजाद। हमें शाइन तवक्कुफ रखिएगा शहजाद, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कमेंट मिल जाए। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, कराची के लिए जो बजट रखा गया है, मुख्तस किया गया है, उससे मुतमईन है अपोजिशन? देखिए हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, ये बजट से वो सिर्फ मजाक है, ये कराची के साथ भी और सिंध के दूसरे शहरों के साथ भी, ये बजट एक मजाक है। लास्ट 18 प्रोजेक्ट थे लास्ट बजट में, उसमें से 14 प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। और मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर ये दुआ भुट्टो वाले मामले को बहुत हल्का लिया जा रहा है, ये बहुत सीरियस मसला है। किसी बहन का, इस सिंह की बेटी है वो, जैसे आसमा बेटी है हमारी बहन है, इस तरह बख्तावर भी बहन है, जब एक ड्रोन लगता है तो पूरी पुलिस और ये सब हरकत में आ जाते हैं, उस सहाफी की पिटाई करते हैं और उसपे एक्शन लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें भी एक्शन लें, मुनव्वर वसान को जो कि कैमरे में जो नजर आ रहा है वीडियो में हंसते हुए, और कुसुम चांडियो साहिबा का जो रवैया है, देखिए वो एक औरत है, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हाथापाई करना, बुरा भला बोलना, और शर्जील मेमन को देखें, वो मिनिस्टर है, या मिनिस्टरों की ये हरकतें होती हैं, या मिनिस्टर ये हरकत करते हैं, या हाथापाई करते हैं, या हम इसलिए लाखों वोट लेकर असेंबली में आए, लोग हमें देखते हैं कि हम हाथापाई करें, गालम गलोच करें, ये बहुत बड़ा वाकया है, फोन वापस करना होगा। चले शहजाद, मेरा सवाल अभी भी जो है वो अनआंसरेबल रह गया है कि कराची के लिए जो बजट रखा गया, तमाम चीजें सही है, शोर शराबा किया, वहां से हाथापाई भी हुई, मिसबिहेव किया गया मिनिस्टर की जानिब से, कराची के लिए जो बजट रखा गया है क्या समझते हैं, क्या तजावीज देंगे, क्योंकि ऑफर दी है शाइना ने कि अगर कुछ तजवीज है वो दें, उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या होना चाहिए और मजीद? देखें अगर तजावीज लेते तो ये बजट से पहले लेते ना, बजट के बाद क्या क्या हमसे लेंगे, ये कभी भी हमारी सिफारिशात पे अमल नहीं करते हैं, ये अपनी मर्जी का लेके आते हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जिस चीज में हो, जिस महकमे में भी हो, ये पेपर के ऊपर तो इतना अच्छा बजट होता है, आप कहते हैं वाह यार इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता रहा हूँ लास्ट ईयर का बजट सिर्फ और सिर्फ 18 स्कीम थी कराची के लिए, उसमें से 14 शुरू भी नहीं हुई, उसमें एक रुपया खर्च नहीं हुआ, तो अच्छा। कराची वाले किधर जाए, बाकी वाले किधर जाए? ठीक है, वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग कर रही है, शहजाद आपका भी शुक्रिया, शाइना आपका भी शुक्रिया, इसके ऊपर मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि बजट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और इसमें क्या तजावीज दी जा सकती हैं, तमाम चीज़ें। बहरहाल जो आज सिंध असम्बली के अंदर मनाजिर देखे गए वो शर्मनाक मनाजिर थे, पढ़े लिखे लोग हैं अपने अपने हलकों से ये सेलेक्ट जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं, और इलेक्ट होने के बाद ये जिस तरह से बिहेव करते हैं उस बिहेवियर के ऊपर शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन जिस तरह से मोबाइल छीना गया, फिर उसके बाद जब मुकदमा दर्ज करने की बात आई तो ऐसा तासुर गया है कि पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जाता है कहीं ना कहीं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।